हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आई एम सॉरी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, बिकॉज 31 को मेरे घर में काफ़ी सारा काम चल रहा था। बहुत ज़्यादा ना मशीन की आवाज़ थी कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। अगर मैं वो करती भी तो वो वर्थ नहीं होती। फर्स्ट को मेरी मॉम का बर्थडे था और सेकेंड को ना किसी की, आई डोंट नो, किसी की यहाँ पे शादी होगी। और इतने ज़्यादा बैंड बाजे बज रहे थे कि मैं वेट कर रही थी कि कब ये बंद हो। और इतना शोर शराबा था ना। और उसके बाद फिर मैं मार्केट वगैरह चली गई और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आई एम वेरी सॉरी कि मुझे इतना टाइम लग गया। बाकी अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर अपडेट करूँ। और अगर मैं किसी दिन छुट्टी लेती हूँ और नहीं वीडियो अपलोड कर पाती, तो प्लीज़ गाइस, इंस्टा पे आपको लग रहा है आप अकेले बंदे हो जो मुझसे पूछ रहे हो कि आप वीडियो कब अपलोड करोगे, बट मुझे ऐसे 20-30 मैसेज आ जाते हैं। और मेरे जो यूट्यूब है उसके कमेंट सेक्शन में भी 20-30 मैसेजेस आ जाते हैं। तो डोंट वरी, 2-3 दिन के अंदर मैं शेयर कर दूंगी अगर मैं 2-3 दिन कभी नहीं कर पाती तो। आपको लग रहा है आप अकेले बंदे हो पूछने वाले, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं। तो चलिए हम वांक्षण शुरू करते हैं माई बोली का नेक्स्ट एपिसोड। हमारा जो वांक्षण कपल होता है ना, अब इन्हें साथ रहते हुए 1 महीना हो गया होता है। और हमारा जो वांक्षण कपल होता है ना, ये अपने साथ इतना खुश था ना, बहुत खुश। और जेवजुन भी हमारे नी हुए सिंह के साथ काफ़ी खुश थे। लवांगजी और विभूषण जो है वो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और जेवजुन और नी हुए सिंह भी। तो विभूषण थोड़ा इमोशनल फील करता है बिकॉज जिनके साथ वो पला बड़ा, 2 साल से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, स्पेशली जियांग्स के साथ। और इस वक्त ना मैडम यू की भी तबीयत इतनी कोई खास नहीं थी। अंकल जियांग जो थे वो मैडम यू का ख्याल रखा करते थे। और उसकी शिजे और जंगछा, शिजे से तो वो बात कर लिया करता था पर जंगछा से वो अभी भी नाराज़ था। लेकिन अब उसकी शादी का टाइम आ रहा था और 2 दिन बाद उसकी शादी थी। उनके घर में फुल प्रिपरेशन चल रही थी उसकी शादी की। और विभूषण का दिल कर रहा था कि वो एक बार जियांग्स को जाके इन्विटेशन दे। यहाँ पे नी हो सेंग तो बहुत एक्साइटेड था। उसने मतलब हर बंदे को इन्वाइट किया हुआ था शादी के लिए। इवन उसने तो जंगछा को भी इन्वाइट कर दिया था, लेकिन जंगछा अभी तक मुंह फुलाए हुए था क्योंकि उसे पता था कि विभूषण की भी शादी है और अभी तक जियांग्स को इन्विटेशन नहीं आया जिनके साथ वो पला बड़ा। हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो थी वो लंदन में हुई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्टेड तो थे ना। इसलिए जो है विभूषण हिम्मत करके लवांगची के साथ मैडम यू को देखने जाता है। वो जियांग्स के घर जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिल में एक थोड़ा सा संकोच हो रहा था बेल बजाने से पहले। वो बेल बजाता है और वो देखता है कि वहाँ पर जब गेट खोलने आती हैं तो शिजे आती हैं। शिजे स्माइल के साथ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। विभूषण अभी भी कहीं ना कहीं घबराया हुए था कि ऐसा ना हो कि उसे वहाँ देखकर कोई उसका मूड स्पॉइल कर दे। वो अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था और सैड मूड के साथ वो अपनी शादी बिल्कुल इंजॉय नहीं करना चाहता था। तो विभूषण जो है ना वो अंदर जाता है। वो बताती हैं कि मैडम यू अपने रूम में हैं और अंकल जियांग उसका ख्याल रख रहे हैं। और जंगचा जो है वो भी, उसे पता होता है कि आज विभूषण आने वाला है क्योंकि शिजे ने उसे बता दिया था कि आज विभूषण आएगा। तो वो भी फटाफट से जानकर अपनी स्टेयर से उतर के नीचे आता है। लेकिन वो नीचे आकर धीरे धीरे जान के चलने लगता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता था, उसे एक्साइटमेंट थी कि नी हो सेंग जैसे इंसान ने उसे अपनी शादी के लिए इनविटेशन भेज दिया। लेकिन अभी तक उसके कज़न, मतलब अभी तक उसके स्टेप ब्रदर यानी कि विभूषण जो कि उसके भाई जैसा ही था, उसने अभी तक अपनी शादी का इन्विटेशन नहीं भेजा। अंदर से क्यूरियोसिटी, खुशी, लेकिन सामने से उसे वही स्टीरियोटाइप अपना बैड मैन वाला वो फेस दिखाना था। और आप तो जानते हैं जंगछा तो जंगछा है। और वो कहता है, शिजे ये यहाँ क्या करने आया है? तो जो हमारी जियांग यानली होती हैं वो कहती हैं, अचिंग मैंने तुम्हें बताया तो था विभूषण शादी कर रहा है लवांगची के साथ और वो यहाँ पे हम सबको इनविटेशन देने आया है। ये सुन के जंगछा जो है वो जान के स्ट्रेंज एक्ट करता है। अच्छा, शादी हो रही है तो ये हमें क्यों बुलाने आया है? अब इसके नए फ्रेंड्स बन तो गए हैं, वही वेंस, नीज सारे बन गए हैं। अब तो ये लेंस के घर में रहता है, ये हमें क्यों बुलाएगा? तो जियांग यानली कहती है, चंचा अचैंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कितने एक्साइटेड हो। चंचा कहता है, मैं और एक्साइटेड वो भी इसकी शादी के लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। विभूषण भी जान के कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इन्वाइट करने नहीं आया, मैं तो अंकल आंटी को इन्वाइट करने आया हूँ और शिजे को। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आना। जंगछा उसे घूर के देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं ना आऊं? बचपन से सारे टाइम तुम मेरे साथ खेलते थे, हैं, हर चीज़ तुम मेरे साथ करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। कितनी बार मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया, तुमने लवांगजी के साथ उसका हाथ पकड़कर चले जाते थे, मेरी तरफ एक बार नहीं देखा, और तुम आज मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी शादी में भी ना आऊं? तुम कितने क्रूअल हो विभूषण। विभूषण मुंह बनाता है, पाउटी सा फेस, और कहता है, तुम ही तो कह रहे हो
तुम एक्साइटेड नहीं हो मेरी शादी को लेके? फिर मैं ऐसे इंसान को अपनी शादी के लिए इनविटेशन ही क्यों दूँ जो इंसान मेरी शादी में आने के लिए एक्साइटेड नहीं है? मैं यहाँ अंकल जियांग और आंटी जियांग को बुलाने आया हूँ, और अगर तुम एक्साइटेड नहीं हो तो तुम मत आना। वी विजयन भी अपना फेस बिल्कुल ठीक रखता है और वो जानता होता है मनी मन जंगचा कितना मरे जा रहा है उसके इन्विटेशन के लिए। तो जंगचा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि मैं तुम्हारी शादी में ना आऊँ? मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा और तुम भी मुझे उस शादी में आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे नी हुए सिंह ने भी इनवाइट किया है और मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे लिए नहीं, नी हुए सिंह के लिए। तो विभूषण हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तुम मेरे लिए नहीं आ रहे लेकिन नी हुए सिंह के लिए आ रहे हो, वेरी गुड, ठीक है तुम उसी से मिल लेना। और विभूषण जो है लवांगची का हाथ पकड़ के मैडम यू के कमरे में जाने लगता है। जियांग चेंग के फादर जियांग फेंग म्याम मैडम यू के साथ होती हैं। मैडम यू वहाँ पे विभूषण को देख के कहीं ना कहीं अब उन्हें गिल्ट फील होता था कि उन्होंने इस छोटे से लिटिल ओमेगा को बाहर निकाल दिया बिना किसी गलती के। शायद यही गलतियाँ थी जो उनकी अब तबीयत बहुत लो रहने लग गई थी। विभूषण और जियांगयाली उनका काफ़ी ख्याल रखा करते थे, लेकिन विभूषण से हमेशा उन्होंने एक जेलसी रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक डाउट था कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें विभूषण की मदर से प्यार है, और अगर प्यार था भी तो वो बहुत सालों पहले था, उसका विभूषण से कोई लेना देना नहीं था। हमारा दिल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता हम किससे प्यार करें, और डेस्टिनी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता कि वो हमारे नसीब में होगा या नहीं। प्यार करना ना करना हमारे बस में नहीं, लेकिन उस प्यार को निभाना हमारे बस में होता है। और हम किसके साथ हैं, डेस्टिनी ने हमें हमारे लिए कौन चुना है, हमारे हाथ में वो नहीं होता, लेकिन जो भी हमें मिलता है हमें उसके साथ खुशी से निभाना चाहिए ताकि लाइफ में हमें कोई रिग्रेट ना रहे। और यही बात सोचकर मैडम यू सोचती हैं कि कितना टाइम निकल गया। उन्होंने विभूषण को हमेशा नफरत की निगाहों से देखा, लेकिन आज ये लिटिल ओमेगा उन्हें इनविटेशन के लिए बुलाने आया है। वो अपने हाथ में कार्ड्स और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके वहाँ आया होता है। वो इन्विटेशन मैडम यू और अंकल जियांग को देता है, और मैडम यू से बिल्कुल नॉर्मल होके उनकी हेल्थ के लिए पूछता है, जैसे मानो 2 साल पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो उनका खैरियत पूछता है और पूछता है, अंकल जियांग, अंकल मैडम यू, मेरी शादी हो रही है लंजा से, और जिवजन की भी शादी हो रही है नी हुए सिंह से। हम दोनों की शादी की सेरेमनी एक ही साथ है, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे पेरेंट्स की जगह वहाँ पर उपस्थित हों और मुझे अपने अडॉप्टिव सन की तरह आप लोग मेरी शादी करें और लंजा को मेरा हाथ दे दें। मैडम यू ये सोचकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि लाइफ में इस ओमेगा को उसने कितनी बुरी नज़र से देखा हो, कितना बुरी तरह से ट्रीट किया हो, लेकिन आज ये उसे इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतना प्यार करता है। और शायद इंसान ज़िंदगी में प्यार और रिस्पेक्ट का ही भूखा होता है, और जिससे वो मिलती है ना, तो सच बता रही हूँ लाइफ में इंसान को और कुछ भी नहीं चाहिए होता। पैसा अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट कभी पैसे से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। और मैडम यू को लगता है कि शायद आज चांग से सरन होती तो वो रिस्पेक्ट उसे मिल रही होती, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसने उस बच्चे को अपनाया। उस बच्चे को वो चाहती तो बहुत अच्छी तबीयत भी दे सकती थी और बिना किसी डिफरेंस किए उस बच्चे को पाल भी सकती थी, लेकिन आज वही बच्चा उसे एक मदरली फिगर की तरह देख रहा है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि चाहे 2 साल पहले कितना भी तमाशा हुआ हो, लेकिन सारी ज़िंदगी मैडम यू और अंकल जियांग ने उसके खर्चे उठाए, उसे प्यार दिया, अपना ना होते हुए भी अपना बनाया। ये देख के मैडम यू की आंखों से आंसू आते हैं और वह कहते हैं, ईशान मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर रहूँगी, पर प्रॉमिस करो तुम यहाँ आते रहोगे, तुम्हारी शादी लास्ट इवेंट नहीं होगा, उसके बाद याद रखना यानली की भी शादी है जिंग जुशन से। तो जिंग जुशन का नाम सुनते ही वी भुजन मुंह बनाता और कहता है, शुजे को कोई और नहीं मिला उस पिकॉक के अलावा? मैडम यू कितना बेकार है वो, और हर टाइम तो लड़कियों से घिरा रहता है। तो मैडम यू हंसते हुए कहती हैं, अब वो बदल गया है, अब वो तुम्हारे शुजे के लिए सीरियस है, और बहुत जल्द अब इनकी भी शादी हो जाएगी। तभी वी भुजन वहाँ बातें करता है और मैडम यू के हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम यू कहती हैं, तुम्हें देख लिया ना, अब मैं ठीक हो गई हूँ विभूषण, मुझे माफ़ कर दो, 2 साल पहले जो भी हुआ उस वक्त शायद मेरा ईगो हर चीज़ में आ गया था, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि तुम्हारी माँ के ना होते हुए भी तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह ही माना है, और आज एक माँ होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है तुम्हें विदा करना। ये बातें सुनते ही विभूषण की आंखों से आंसू आते हैं और वो मैडम यू को हक कर लेता है। शायद इतने सालों में उसकी माँ के गुजरने के बाद ये पहला मदरली हक था जो उसे मिला। वो अपने आंसू पोंछता है, वह जंगचा भी आता है। जंगचा कोने में खड़ा वो सारी बातें सुनता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं। वो अपने अडॉप्टिव ब्रदर, अपनी मदर को इस तरह से इमोशनल होते देखता है। जियांग यानली
और जियांग फेंगमिया की भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। या जंगछा की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो भी भाग के जाता है और पीछे से विभीषण को हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी विभीषण, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उस दिन तुम्हें इतना हर्ट कर दूंगा कि 2 साल तक तुम मुझे इतना देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम पे डाउट नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो तुम अब हमसे मिलने ज़रूर आओगे। विभीषण कहता है, तुमसे मिलने क्यों आऊँ, मैं तो अंकल आंटी से मिलने आऊँगा, तुम तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। चंचल से और टाइट हक कर लेता है, लेकिन इस वक्त लवांगजी को जलस नहीं होता क्योंकि वो इस ओमेगा को मार्क कर चुका था और 2 दिन बाद इनकी शादी थी और जंगछा उसका ब्रदर था, तो इस तरह से वो सिर्फ अल्फा को तब अलाउड करता है अपने वीक को छूने के लिए जो वो उसका रिश्ते में भाई लग रहा हो, वरना तो लवांगजी है गाइस। लवांगजी भी कहता है, जियांग वैन आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, विभूषण अब से यहाँ आता रहेगा, जब तक उसे रिस्पेक्ट मिलेगी वो हर जगह जाएगा, जहाँ उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा वहाँ मैं वींग को जाने नहीं दूंगा। जंगछा कहता है, आई एम सॉरी उस दिन मैंने तुम्हें और वींग को बहुत कुछ अपशब्द बोल दिया था और गलत भी, बस हालात और शायद मेरी सोच समझ ही कम थी, लेकिन प्लीज़ आई होप तुम लोग माइंड नहीं करोगे और बुरा नहीं मानोगे, तुम लोग माफ़ कर दोगे ये सारी चीज़ें। वींग तुम्हारा वेलकम है इस घर में, इस पूरी जगह पे। विंग स्माइल करते हुए कहता है, तो 2 दिन बाद मेरी शादी है, आप सबको आना है गाइस। जंगछा कहता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम इनवाइट नहीं भी करते तब भी मैं आता, वैसे मैंने एक सूट सिलवाया है। जो हमारा विभूषण होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, सच्ची? तो जंगछा कहता है, हाँ तुमने तो इन्विटेशन दिया नहीं था, पर नीह सिंह ने मुझे इन्विटेशन दे दिया था, और ऐसा हो सकता है कि तुम शादी करो और मैं ना आऊँ, भले ही मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए आता तुम्हें गिफ्ट दे के चला जाता, लेकिन मैं आता ज़रूर क्योंकि क्योंकि तुम मेरे भाई हो। वो दोनों भाई एक दूसरे को हक करते हैं, विंग उसके गले लग के रोने लग जाता है और कहता है, अब तुम भी अपने लिए एक ओमेगा ढूंढ लो क्योंकि नीह सिंह तो जयवजन का हो गया। जंगछा कहता है, तुम्हारी वजह से, वरना आज तुम्हारे भाई का घर बस रहा होता। तो भी विजयन कहता है, कोई बात नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ का भी तो घर बस रहा है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मैडम यू और जियांग फेंगमिया भी, यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लवांगची, भी विजयन, जयवजन और नीहा सिंह की शादी का माहौल। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और जितने भी वेंशन फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।